देश में योग करीब 5000 वर्ष पुराना मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक अभ्यास माना जाता है। यदि सुबह के समय योग किया जाए तो ये स्वास्थ्य के लिए अधिक फायदेमंद होता है। योग के आसनों को दर्शाते ये छात्र हैं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बखालक के। हर रोज योग करना इन विद्यार्थियों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। योग की इन विभिन्न कलाओं से जहां विद्यार्थी पुरानी परंपरा को संजोए हैं, वहीं अपने हैरतअंगेज आसनों के माध्यम से इस कहावत को सही साबित कर रहे हैं कि करोगे योग रहोगे निरोग। छात्रों का कहना है कि योग से वे स्वस्थ व मानसिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। हमें अभी तक स्कूल में 20 आसन सिखाई दिए हैं। यह बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा दिए गए हैं। हम इसे घर में भी प्रयोग करते हैं तथा हम अपने शरीर को लचीला बनाते हैं तथा औरों को भी इसकी प्रेरणा देते हैं। शारीरिक शिक्षा अध्यापक मेहर चंद ठाकुर ने कहा कि योग को विशेष रूप से पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और हर रोज प्राथमिकता पर स्कूल में छात्रों को योग करवाया जाता है। उनका कहना है कि योग करने से जहां विद्यार्थी मानसिक व शारीरिक रूप से मजबूत रहेगा, वहीं नशे जैसी बुरी आदत से भी बचेगा। योग को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। योग पाठ्यक्रम में जो है, योग के बहुत सारे आसन हैं जिनको जो बच्चे अच्छे तरीके से सीखते हैं, और पाठ्यक्रम में होने के से ये फायदा होगा कि जो मॉर्निंग शो में बच्चे करते हैं, उसके बाद बच्चे जब घर जाते हैं तो अच्छे से उसका अभ्यास करते हैं, और एक मैसेज जो है उनके परिजन तक जाता है। दूसरा लाभ ये होता है कि जब बच्चे करते हैं उसको जाके वो अपने छोटों को और जो उनके बड़े हैं उससे प्रेरणा मिलती है। योग लोगों की जीवन शैली को सकारात्मक रूप से बदलता है और इससे मानसिक, शारीरिक व भौतिक विकास होता है। यही कारण है कि अमेरिका, चीन, कनाडा सहित 170 से अधिक देशों में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। सोलन जिले के बखालक स्कूल से डीडी न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट।